नंबर वन, पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। 7,172 से भी ज्यादा स्टेशन इंडियन रेलवे में कनेक्ट होते हैं। हर रोज 23 मिलियंस पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 2.25 करोड़ पैसेंजर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी भारत में। जितने लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। नंबर दो, भारत ने एक ऐसी हॉस्पिटल लॉन्च की है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, और ये हॉस्पिटल पूरी की पूरी एक ट्रेन है, यानी एक ट्रेन को हॉस्पिटल बनाया गया है। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस हर छोटे छोटे गांव में जाकर इलाज करती है। जिस गांव में बड़ी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है वहां ये लाइफलाइन एक्सप्रेस जाती है और बड़े बड़े इलाज करती है, जिसमें सर्जरी से लेकर कैंसर का भी इलाज होता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। नंबर थ्री, भारत में एक ऐसा आदमी है जिसने पूरी दुनिया को घूम लिया है, और वो भी सबसे फास्ट घूम लिया है पूरी दुनिया को। इस आदमी ने 257 देश को टूर की है, और वो भी 6 साल 6 महीने और 22 दिन में। इस व्यक्ति का नाम है बेन्नी प्रसाद, जो गिटार बजाता है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, गजब की बात है। नंबर थ्री, पूरी दुनिया में रोड कनेक्टिविटी की बात में भारत दूसरे नंबर पे है। भारत में 1.9 मिलियन माइल्स रोड कनेक्शन है। नंबर चार, चेस गेम जो हम खेलते हैं ना, चेस गेम, उसको भारत ने इन्वेंट किया है। मतलब चेस गेम का जन्म भारत से हुआ था। जब इस गेम को भारत में इन्वेंट किया गया तब चेस को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। इस गेम को हजारों साल पहले भारत ने खोजा था। नंबर फाइव, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार इंडिया की रेलवे सिस्टम दे रही है। इंडियन रेलवे में 1.30 मिलियन एम्प्लॉय को रोजगार मिल रहा है, मतलब 2.25 करोड़ लोग इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं। नंबर छः, एक सिस्टम में जो जीरो आता है, मतलब 1 से लेकर 9 और 9 के बाद जो जीरो आता है, उसकी खोज भारत ने की थी। भारत में आर्यभट्ट ने ये जीरो की खोज की थी। अगर जीरो ना होता तो 9 से आके क्या होता। नंबर सात, साधु संत हमेशा पीले रंग जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो आग जैसा रंग दर्शाता है। यानी वो आग जैसा रंग ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया की सुख सुविधा को जला डाला है, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं उन सभी इच्छा को उसने जला दिया होता है, इसीलिए वो इस तरह के आग जैसे रंग के कपड़े पहनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।